केस मैं हूँ प्रीति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको किस तरह से मदद कर सकता है, किस तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या हो सकता है एक्सेट्रा। वो सारे सवाल मेरे पास बहुत आते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये एक वीडियो बना दूँ। और या तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। और जस्ट बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब ये डिस्कस करना शुरू करती हूँ देन पीपल आर लाइक अमेज्ड, लोगों को बहुत मज़ा आता है पास्ट लाइफ के किस्से सुनने में। और इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्से नहीं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं कि जो शायद आपके लिए भी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक रहे। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, तो चलिए जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस तरह से आपकी मदद कर सकता है, राइट? बिकॉज कुछ तो होगा कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एंड आपको शायद पता हो या ना पता हो, यू नो ऐसी सीडीज मिलती है, MP3 के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं कि जो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक फ़र्क होता है, यू नो जब बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा तीव्र ऐसी मेमोरीज है कि जो आपको हिला कर रख सकती है या फिर आपको बिल्कुल अपने आप हैंडल ना कर पाए उस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी वो जो रिकॉर्डेड MP3s है या फिर रिकॉर्डेड सीडीज है उसके द्वारा आप उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे पास्ट लाइफ में कि जहाँ पर आप एक्चुअल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, राइट? तो या वो थोड़ी बहुत बात मुझे बतानी थी बिकॉज ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट उनके पैसे हम क्यों भरें, बिकॉज वही सेशन का अगर हम एक DVD बाई करते हैं, एक CD बाई करते हैं, तो उस CD से तो हमारा पूरा घर रिग्रेशन में चला जाएगा, राइट? लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे, यू नो CD से आप लोगे तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें आप देख पाओगे कि जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हम पास्ट लाइफ में थे, वहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, अब सॉल्व क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, यू नो पास्ट लाइफ आपको किस किस तरह से मदद कर सकता है। तो सबसे पहला है कि आपको कुछ नेगेटिव इमोशंस है, कुछ नेगेटिव ट्रॉमा है कि अगर आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं इस प्रेजेंट लाइफ में तो वो आप रिलीज़ कर सकते हैं जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तब। दूसरी बात, पास्ट लाइफ करने के टाइम पर आप ना ही सिर्फ नेगेटिव चीज़ें भगा सकते हैं लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी पास्ट लाइफ में से ला सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें कैसी, मतलब कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसे हुनर थे, कुछ ऐसा नॉलेज था तो वो आप ला सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल है मेरे पास, अब वो जानना आपको शायद अच्छा लगेगा, सो आई शेयर दैट लेटर। ओके, तीसरी बात है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप एक ऐसी अवस्था में जाते हैं कि वहाँ पर जाकर आपका गॉड के साथ कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं, आप एंजल्स या फिर मास्टर्स के साथ कनेक्शन कर पाते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन कर पाते हैं और वहाँ से आपको आपका जो पर्पस क्या है, आपका पास्ट लाइफ का क्या पर्पस था, फ्यूचर लाइफ का क्या पर्पस होने वाला है, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो वो भी है कि जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। सी, अभी प्रेजेंट लाइफ में सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात शायद आपके साथ भी टैली करेगी, बिकॉज ये बात कुछ ऐसी हो सकती है कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स आप इस जन्म से नहीं लेकर आए हैं, इस जन्म में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स मिले हैं। शायद ये सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, पास्ट लाइफ में वो जड़ शायद बनी हुई थी, राइट? शायद उसकी नींव रखी गई थी उस नेगेटिव प्रॉब्लम की, ये एक हो सकता है। फिर आपके प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे, आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं कि शायद डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगते हैं, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यू नो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ केसेस हो चुके हैं। मैंने जब लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए थे तो एक बंदा, एक 22 साल का बंदा, उसको कुछ चेस्ट में पेन
ऐसा प्रॉब्लम था। अब ये जो बंदा है उसने डॉक्टर्स के पास हर तरह के रिपोर्ट्स निकलवा के रखे थे, कार्डियोलॉजी के रिपोर्ट निकलवा के रखे थे, प्रेशर उसका नॉर्मल था, हर तरह का दूसरा उसने रिपोर्ट जो भी चेस्ट के एरिया के रिलेटेड कुछ हो सकता है वो रिपोर्ट उसने निकलवाया था, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल, और फिर भी इस बंदे को चेस्ट में पेन होता है, और वो भी उस तरह का पेन कि जब उसको पेन हो तो बाकी सारा काम उसको साइड पे छोड़ देना है और बस साइड पे वो एक तरह से बैठ जाता है और कुछ और नहीं कर पाता। तो उसको लगा कि ये जो वजह है शायद इसकी वजह पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी है, बिकॉज प्रेजेंट लाइफ में डॉक्टर्स के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और प्रेजेंट में उसको ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था उसके चेस्ट के एरिया में, राइट। तो इसीलिए पास्ट लाइफ में जब मैंने उसको रिग्रेस किया, मैंने उसको पास्ट लाइफ में ले जाकर देखने को बोला कि बताओ आप क्या है, क्या आप करते हो और आपके साथ क्या हुआ था। तो वो जो बंदा है वो पास्ट लाइफ में एक नेता था, एक पॉलिटिशियन था, बहुत ही अच्छा नेता था, बहुत ही अच्छा काम करता था, लेकिन शायद किसी ने उसको चेस्ट में शॉट किया था और इसीलिए वो जो दर्द था, वो जिस तरह का दर्द उसने पास्ट लाइफ में अनुभव किया था वो सेम दर्द उसको प्रेजेंट लाइफ में अनुभव होता है जब कहीं ना कहीं उस तरह का कुछ सिचुएशन खड़ा होता है तब उसकी प्रेजेंट लाइफ में। तो दिस वॉज द रीज़न, और जब उसने वो प्रॉब्लम उस टाइम पे देखा तब वो जो पेन जो था बिल्कुल वही पेन के जो असह्य पीड़ा वो सहता था हर बार इसकी प्रेजेंट लाइफ में, वही पीड़ा वापस उसको शुरू हुई। और वो पास्ट लाइफ का एक ये एक मैजिक है कि पास्ट लाइफ का जो पेन है आप प्रेजेंट पे लेकर आए हैं, और अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के दौरान अगर आपने वो पेन को देख लिया तो वो पेन शायद वापस आपको कभी नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा केसेस मैंने देखे हैं। तो वो हो गया पास्ट लाइफ कुछ नेगेटिव चीज़ के लिए। अब देखते हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हुनर होते थे जो पास्ट लाइफ में उसके पास हुआ करते थे और वही हुनर वो वापस अपनी प्रेजेंट लाइफ में ला सकते हैं पास्ट में से कुछ ऐसे गुण वो ला सकते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान वो ला सकते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी वो ला सकते हैं कि जो सिर्फ उनको उस लाइफ में मिली थी। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, एक इंसान के जो प्रेजेंट लाइफ में एस्ट्रोलॉजर है उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने एक बार किया था। वो एस्ट्रोलॉजर है और कुछ क्रिस्टल के साथ भी आई थिंक वो काम करते हैं। उन्होंने जब उनको जानना था उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये मेरा जो ओरिजिन है, मुझे जो स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि ये इस जन्म का नहीं है, बिकॉज उनकी फैमिली में शायद आई डोंट थिंक कि कोई किसी ने उन्हें इंस्पायर किया था। तो उन्हें लगा कि उनका जो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है कहीं ना कहीं उसका जवाब उनकी पास्ट लाइफ में है। तो पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि पास्ट में वो एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल एक इंसान थे, वो लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व किया करते थे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके, और एक ऐसा पर्वत हुआ करता था। वो पर्वत का भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने जो किया था इट वाज लाइक वेरी मैजिकल, बहुत ज़्यादा फैंटेसी जैसा लगा मुझे, लेकिन वो उनके लिए हकीकत था उस पास्ट लाइफ में कि वो उस पर्वत के नीचे एक ऐसी जगह हुआ करती थी कि जहाँ पर वो एक तरह की एनर्जी पाते थे और उस एनर्जी से वो रिचार्ज होने जाते थे हर थोड़े थोड़े दिन। और उस टाइम पर जब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था तब मैंने भी उनको कहा कि चलिए जाइए आप उस पर्वत के नीचे जाकर एनर्जी लीजिए, और जो उस इंसान को एनर्जी का अनुभव हुआ वो सेशन में से बाहर निकलने के बाद भी 30 मिनट से 45 मिनट तक उनका बॉडी पूरा वाइब्रेट हो रहा था। उन्होंने कहा प्रीति ये एनर्जी इतनी ज़्यादा इंटेंस है मुझे खुद नहीं पता कि इतनी ज़्यादा एनर्जी मैं कैसे ले रहा हूँ। तो दैट वाज समथिंग अमेजिंग। और उसके बाद एक जैसे मैंने कहा कि किस तरह से पास्ट लाइफ आपकी मदद कर सकता है आपके लेसन्स जानने में, पर्पस जानने में, तो आपके पास्ट लाइफ जो है जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में उतरते हैं तब आपके पास एक ऑप्शन आता है एक उसी थेरेपी के दौरान कि आप जब आप ना तो उस पास्ट लाइफ के शरीर में है ना ही आप इस प्रेजेंट लाइफ के शरीर में आए हैं, उसे एक स्टेट कहा जाता है, उसे एक अवस्था कहा जाता है कि जिसे हम कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, राइट। आपकी लाइफ है राइट, दूसरी लाइफ शुरू हो उससे पहले आपका जो सोल है वो एक तरह के
एक तरह का डिसीजन वो लेता है, एक तरह का फेज में होता है कि जहाँ पर उसे पता होता है कि उसका पास्ट लाइफ में उसका क्या पर्पस था, उसने कितना पर्पस पूरा किया, कितना पर्पस अब उसे और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फ्यूचर लाइफ में। तो ये सारी बातें उसको पता होती है एंड उस लाइफ बिटवीन लाइफ फेज में, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जवाब मिल सकते हैं बिकॉज़ वहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे सवालों के जवाब के आपके लेसन्स कौन से हैं, आपको कौन से लेसन्स आपने पूरे किए हैं, कौन से लेसन्स बाकी हैं, कौन से कर्म आपके हैं कि जिनको आपको चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपका सोल का पर्पस है, क्या आपका लाइफ का पर्पस है, राइट? क्या करने से आप अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा सुकून से जी सकते हैं? ये सारे सवाल के जवाब उस लाइफ बिटवीन लाइफ फेज में मिल सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के दौरान। तो ये था आपके लिए पास्ट लाइफ के ऊपर छोटा सा वीडियो। आशा रखती हूँ ये आपको अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे केस हिस्ट्रीज़ के जो मैंने किसी के रिग्रेशन करवाए हैं और वो आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, वो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर जितना, बिकॉज सारे केस स्टडीज़ हम डिटेल में आपके साथ ना सारे के सारे कुछ हम लेंगे इंटरेस्टिंग कि जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा जानने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको जानने में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो हम भविष्य में उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ओके? और उसके अलावा और कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, तो ज़रूर उसे नीचे कमेंट से मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब देना पसंद करूँगी या तो अगले वीडियो में या फिर कमेंट्स में इटसेल्फ, ओके? तो ये था आपके लिए पास्ट लाइफ किस तरह से आपकी मदद कर सकती है उसके ऊपर वीडियो। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।